चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज हमारा जो है ना वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, ऑपरेशन थिएटर डिजाइन के रिलेटेड, ठीक है। वॉल्स वाला था, अच्छा दीवार वाला था। अच्छा, इसकी कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे आज हम लोग, इसको जस्ट इंट्रोडक्शन देकर देखेंगे कि ऑपरेशन थिएटर कैसे बनना शुरू हुए, इसको हिस्ट्री में क्या कहा जाता था, इसको डिजाइन करने के लिए लोगों ने क्या क्या जो है ना वो तरीके राइज किए, ठीक है। और इसमें अंदर यूज होने वाली जो चीजें थी वो किस तरीके से ऑपरेशन थिएटर में लाएंगे और कैसे उनको ऑपरेशन थिएटर डिजाइन करने के लिए यूज किया गया। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द टर्म ऑपरेटिंग रूम आर ओवर यूज्ड। तो यूएस में जो है ना वो टर्म यूज होती है ऑपरेटिंग रूम या ओवर, हम लोग यहाँ पे ओटी यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में इसको ऑपरेशन थिएटर कहा जाता है, ठीक है। तो ज्यादा जो हमारे लिए अच्छा वर्ड है वो यहाँ पे आप याद रखें कि एक अच्छा वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो है ऑपरेटिंग रूम, ठीक है, ये ज्यादा मोर एक्यूरेट है। चलो कर लो। ओटी आर ऑपरेटिंग रूम इज अ फैसिलिटी विद इन एन हॉस्पिटल वेयर सर्जिकल ऑपरेशंस आर कैरीड आउट इन एन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। और ये एक डेफिनेशन है प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर की या ऑपरेटिंग रूम की, कि ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग जो है ना सर्जिकल ऑपरेशंस जो है ना वो कैरीड आउट करते हैं इन एन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। ये वर्ड जो है ना इसको यूज करना इंतहाई जरूरी है कि एनवायरनमेंट जो है ऑपरेशन थिएटर की वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्री ऑफ जर्म्स, फ्री ऑफ एनी इन्फेक्शन, फ्री ऑफ एनी सेप्सिस, ऐसी इन्वायरमेंट जो है ना ऑपरेशन थिएटर की होनी चाहिए। तो अगर हम उसको ऑपरेशन थिएटर या ऑपरेटिंग रूम यूज करेंगे तो ये चीज वहां पे इंश्योर होनी चाहिए कि उस जगह के ऊपर जो है ना वो जो इन्वायरमेंट जो है ना वो पूरी की पूरी एसेप्टिक होनी चाहिए। चलिए, सॉरी फॉर लिटिल बिट लेट। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेशन थिएटर को। इन द यूनाइटेड स्टेट्स द टर्म ऑपरेटिंग रूम ये हमने डिस्कस कर लिया। हिस्ट्री के बाद में बात करें, हिस्टोरिकली द टर्म ऑपरेशन थिएटर रेफर टू एज नॉन स्टीराइल टायर्ड थिएटर और एम्फी थिएटर इन विच स्टूडेंट्स एंड अदर स्पेक्टेटर्स कुड वॉच सर्जन्स परफॉर्म सर्जरी। पुराने जमाने में जो हम लोग थिएटर का वर्ड हम लोग अभी भी यूज करते हैं, थिएटर का वर्ड वो वही टेली थिएटर से ही निकला है, जिसमें हम लोग कोई बंदा अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको सामने जो है ना वो स्पेक्टेटर्स बैठ के, तमाशबीन बैठ के उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता था कि जब सर्जरी परफॉर्म की जाती थी तो एक बहुत बड़ा एक हॉल में ही सर्जरी परफॉर्म की जाती थी और बहुत ज्यादा लोग जो है ना उसको बैठ के वहां पे वॉच आउट करते थे। देर आर ओनली टू ओल्ड स्टाइल ऑपरेशन थिएटर लेफ्ट, बोथ हैव विच आर प्रिजर्व्ड एज अ पार्ट ऑफ म्यूजियम। अभी भी दो थिएटर जो है ना वो मौजूद हैं और उनको म्यूजियम के तौर पे जो है ना वो प्रिजर्व कर लिया गया है। ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये लोग जो है वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। ये हिस्ट्री की एक पिक्चर है और ये लोग जस्ट लाइक अ कोर्ट यहाँ पे बैठ के जो है ना उस ऑपरेशन थिएटर को वॉच कर रहे हैं, इसीलिए ये टर्म जो है ना थिएटर यहाँ से जो है ना वो निकली है। ये भी एक थिएटर है जो कि हिस्ट्री में मौजूद है, म्यूजियम में इसको, इसके कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं और थिएटर भी मौजूद है। इसमें भी देख सकते हैं आप लोग कि लोग ऊपर से बैठ के, ये वैसे उसका एक स्केच डायग्राम दिखाई गई है कि लोग सर्जन जो है वो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं और लोग जो है ना वो ऊपर से बैठ के इसको वॉच आउट कर रहे हैं। इस पिक्चर में भी यही चीज़ जो है ना वो क्लियरली हो रही है। हिस्ट्री में जो ऑपरेशन थिएटर थे वो इस तरह के होते थे, जस्ट लाइक दैट। ये एक फोटोग्राफ है ऑपरेशन थिएटर एट जेफरसन मेडिकल कॉलेज फिलाडेल्फिया की 1900 की, कि 1900 में ये एक ऑपरेशन हो रहा था ये जेफरसन मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में और ये सारे लोग ब्लैक कोट्स पहन के जो है ना इसको कुछ वॉच आउट कर रहे हैं।
थोड़ी सी हिस्ट्री अब और डिस्कस करें, पिक्चर हमने देख लिया। ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी ऑपरेटिव सर्जरी वाज लिमिटेड टू ब्रेकेजेस फ्रैक्चर्स एंड एम्पुटेशन। शुरू शुरू में जब किसी की चीज बॉडी का हिस्सा टूट जाता था, फ्रैक्चर हो जाता था या एम्पुटेट हो जाता था, तो सिर्फ उसी की सर्जरी के लिए जो है ना ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता था। अदरवाइज कोई जनरल सर्जरी या स्पेसिफिक सर्जरी, प्री प्लान सर्जरी जो है ना वो नहीं होती थी, जस्ट जो है ना वो इमरजेंसी सर्जरीज होती थी। एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशंस टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट वर इनक्रेडिबली पेनफुल। जो जितने भी, चूंकि तब जो ऑपरेशन होते थे वो एक्सपेरिमेंटल होते थे और किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए होते थे, वो बहुत ज्यादा हद तक पेनफुल होते थे, ग्रूसम एंड इन सम इंस्टेंसेस अनसक्सेसफुल। तकलीफ दे, दर्द वाले, और कुछ केसेस में, मोस्टली केसेस में वो कहता है वो अनसक्सेसफुल होते थे, कामयाब नहीं होते थे, लेकिन चूंकि उस बंदे की जान बचानी होती थी ऑपरेशन करना पड़ता था। However, post-operative sepsis infection accounted for the majority patient deaths after surgery. यहाँ तक वो कहता है कि जब सर्जरी करते थे उसके बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली सेप्सिस होती थी, इन्फेक्शन होती थी, और मोस्टली पेशेंट की सर्जरी के बाद डेथ हो जाती थी। ये हिस्ट्री की बात हो रही है। एंटीसेप्टिक्स, तो इसका मतलब है कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर जब भी सर्जरी करते थे तो उसमें क्योंकि कोई ऐसे एंटीसेप्टिक्स यूज नहीं करते थे, ऐसी कोई ऑपरेशन थिएटर की एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम लोग ऐसी कोई चीज़ यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि पेशेंट जो है ना उसकी डेथ हो सकती थी आफ्टर सर्जरी या ड्यूरिंग सर्जरी। तो उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू कर दिया, तो एंटीसेप्टिक्स जो है ना वो दरियाफ्त होना शुरू हो गए, और एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीसेप्टिक सर्जिकल मेथड्स जो है ना ये वाइड स्प्रेड हो गए विद जोसेफ लिस्टर्स 1828 to 1912। उसने क्या किया कि कार्बोलिक एसिड के इंट्रोडक्शन को, अब कार्बोलिक एसिड आपको आजकल आपको पता है, हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोलिक एसिड को कार्बोलाइजेशन में यूज किया जाता है, इसको फॉर द क्लीनिंग ऑफ द ऑपरेशन थिएटर एनवायरनमेंट, इसे कार्बोलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली कार्बोलिक एसिड फिनोल का कहा जाता है, और फिनोल के बारे में आप लोगों ने जो है ना केमिस्ट्री में अगर आपको याद होगा तो उसमें एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता है, उसे फिनोल कहते हैं। तो ये बेसिकली इसे कार्बोलिक एसिड इसका नेम है, और इसका वेरी लो जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही ये बॉइल करना शुरू कर देता है। तो कार्बोलिक एसिड जिसे फिनोल कहते हैं, इसको यूज किया जाने लगा सर्फेसिस के ऊपर या इवन के स्किन के ऊपर फॉर द एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, या कह लगे हम लोग एंटीसेप्टिक्स के तौर पर भी और डिसइंफेक्शन के तौर पर भी इसको यूज करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले किसको, एमसीक्यू क्वेश्चन, किसने ईजाद किया, जोसेफ लिस्टर ने, और किसको ईजाद किया, कार्बोलिक एसिड। हेम्फ्रे डेवी उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया विद नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि अब जैसे जैसे सर्जरी पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि ऐसी चीज यूज की जाए जिससे एक तो ड्यूरिंग सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशंस क्या आई थी, अभी हमने जो हिस्ट्री में डिस्कस किया, यहाँ तो पेशेंट को बहुत तकलीफ दे प्रोसीजर होता था, उस तकलीफ की शिद्दत की ताब ना लाते हुए मर जाता था, या उसको पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस होती थी, सेप्सिस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो पेशेंट। तो दो चीजें अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो पहली चीज की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन से बचने के लिए हमने क्या डिस्कस किया कि साइंटिस्ट ने कार्बोलिक एसिड की जांच स्टार्ट हो गई। अब अगला स्टेप था कि पेन से कैसे बचा जाए, क्योंकि बास ऑपरेशन के दौरान इतनी पेन होती थी कि लोग पेन से ही उनकी डेथ हो जाती थी। उसके लिए सबसे पहले हेम्फ्रे डेवी ने 1778 से 1829 में नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस के तौर पर आपको सुना होगा इसका नाम, इसको यूज किया। बट अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस डेवलपमेंट, उन्होंने इसके ऊपर कोई काम यानी कि अटेंशन नहीं दी, क्योंकि एक गैस थी, जस्ट एक लाफिंग गैस थी। लेकिन आजकल हम लोग अभी भी इस गैस को यूज करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, फॉर पेन किलिंग के तौर पर, ठीक है। तो उसके बाद 1830 के बाद की बात है, 1840 में इंट्रोड्यूस्ड ईथर एज अ मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड एनेस्थेटिक थ्रू क्लोरोफॉर्म एनेस्थीसिया बिकम वाइड स्प्रेड एज वेल एज आफ्टर 1847। तो 1840 में क्या हुआ, क्या ईजाद हुआ, ईथर ईजाद हुआ। तो ये भी एक एनेस्थीसिया यानी कि पेन किलर के तौर पे यूज करते हैं, बेहोशी के लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्लोरोफॉर्म यूज हो गया, क्लोरोफॉर्म को पता है आपको, पता है ये भी बेहोशी के लिए यूज किया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म भी हिस्ट्री में 1847 में इसको जो है ना यूज किया जाता था, और इसको सबसे पहले यूज किया जेम्स यंग सिम्पसन ने टू रिलीव द पेशेंट्स डिफिकल्ट चाइल्ड बर्थ पेन्स। फीमेल के अंदर चाइल्ड बर्थ के दौरान जो पेशेंट्स को तकलीफ होती है, दर्द होता था, उससे बचने के लिए उन्होंने पेशेंट को उस दौरान जो है ना वो थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का एक्टिंग एक्शन जो है वो बहुत ही थोड़ा होता है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होता है, तो उन्होंने क्लोरोफॉर्म जो है ना उसको संगाना शुरू कर दिया। तो उससे नतीजे में क्या हुआ कि पेन किलिंग के तौर पर इसको यूज करते हैं। ये 1847 की बात, और किसने क्लोरोफॉर्म को याद किया,
ये चीज आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, जेम्स यंग सिंपसन। उसके बाद क्या हुआ, द डेवलपमेंट ऑफ एनेस्थेटिक एंड एंटीसेप्टिक सुपर हेडेड द नोशन ऑफ अ पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशन। उसके बाद एंटीसेप्टिक्स दरियाफ्त हुए, एनेस्थेटिक्स दरियाफ्त हुए, तो ये जो एक जिक्र किया जाता था कि सर्जरी में बहुत दर्द होता है, वो उस दर्द का जो है ना वो कंसेप्ट खत्म हो गया, तो पेनलेस सर्जिकल ऑपरेशन जो है ना वो होने स्टार्ट हो गए। इन 1870s towns with 10,000 residents had only 100 hospitals, 100 hospitals within their limits or nearby. 1870 में क्या हुआ कि 10,000 रहायशियों के लिए 100 hospitals थे उस जगह के ऊपर, यानी कि बहुत ज्यादा है या इसके आसपास कहता है। एंड बाई 1910 द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्रीज टू ओवर 4,000। बाद में ऑपरेशन थिएटर्स और बढ़ हॉस्पिटल्स भी बढ़ के 4,000 हो गए एज न्यू इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स वर बिकेम मोर सक्सेसफुल, क्योंकि सर्जरी में जो है ना वो एडवांसमेंट आई और नए इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसीजर जो है ना वो परफॉर्म होना शुरू हो, क्योंकि 1900 में हमने पढ़ा था या इससे पहले जो है ना ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो भी बनना स्टार्ट हो। ये भी एक फर्स्ट ऑपरेशन जो आपने एमसीक्यू क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट ऑपरेशन जो न्यू सर्जिकल एम्फीथिएटर, पहले इसको एम्फीथिएटर कहते थे ना, ये हुआ था डॉक्टर हॉलस्टर ने इसको परफॉर्म किया था 1904 में, ये सबसे पहला ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म किया गया था। आफ्टर द इंट्रोडक्शन इन द यूके ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS कहते हैं 1948 की बात है, अभी इनकी रिसेंटली बात है, 17 और मोर ईयर्स अगो कॉम्प्रीहेंसिव हॉस्पिटल बिल्डिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च। जो हॉस्पिटल को बनाने का एक अच्छा एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च हुआ जिसमें प्रॉपर हॉस्पिटल को जो है ना डिज़ाइन करके बनाया जाए, इनकी चूंकि हमारा मकसद भी यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर डिज़ाइन में है कि ऑपरेशन थिएटर के डिज़ाइन करने में किन किन चीज़ों की जरूरत है, किस किस तरह का ऑपरेशन थिएटर जो है ना वो होना चाहिए। तो ए डिटेल स्टडी ऑफ डिज़ाइन ऑफ ऑपरेशन थिएटर वॉज नफील्ड प्रोविंशियल हॉस्पिटल ट्रस्ट पब्लिश इन 1950। तो कैसा ऑपरेशन थिएटर का डिज़ाइन होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया 1955 में नफील्ड प्रोविंशियल हॉस्पिटल ट्रस्ट ने, इसको जो है सबसे पहले ये जो उसका नाम दिया गया। तो ये हिस्ट्री थी, इसके बाद क्या क्या हुआ, किस किस तरह का ऑपरेशन थिएटर जो है ना हमारे लिए ज़रूरी है, इसको जो है ना वो हम लोग डिस्कस करें।